हेलो दोस्तों, सिंपली आ गया हूँ मैं और आप भी, और आप देख रहे हो मेरे को, मैं देख रहा हूँ आपको अपनी आंखों से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। हमें काफ़ी सारे भाइयों ने कमेंट करके बोला कि जो भाई है, जो हमारा फ़ोन जो आता है ऑटोमेटिक हमारा फ़ोन में जेब में रिसीव हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा जो फ़ोन है वो रिसीव हो चुका है। किसी का फ़ोन आता है तो हमारा जो ऑटोमेटिक फ़ोन रिसीव हो जाता है, इसका सोल्यूशन लेकर आया हूँ मैं आज को। एक ऐसी सेटिंग के बारे में बताऊँ, वो वाली सेटिंग नहीं, फ़ोन की सेटिंग। तो फ़ोन की सेटिंग ऐसी बताने वाला हूँ जिसको आप अपनी ऑटोमेटिक कॉल को हटा सकते हैं और जो आपका फ़ोन है वो आप कभी भी रिसीव नहीं होगा, मतलब आपकी इच्छा अनुसार रिसीव होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको फ़ोन जिम में रखा है और किसी का कॉल आ गया, हमारा फ़ोन रिसीव हो गया। दोस्तों, वीडियो कम्प्लीट देखना। और हमारे भाइयों ने, दो भाइयों ने हमारे कमेंट बताया कि जो हमारा कॉल आता है वो पावर बटन से, जो पावर बटन होता था हम उसको दबा देते हैं, मतलब उसको ऑन कर देते हैं तो हमारी कॉल कट रही है, मतलब कट जाती है हमारी कॉल, एंड कॉल हो जाती है हमारी जो हम पावर बटन को ऑफ करते हैं। तो इसका भी सलूशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ, दोनों चीज़ों का, जो हमारी पावर बटन से भी कॉल कट रही है तो इसका भी सलूशन आज बताने वाला हूँ, और जो हमारा ऑटोमेटिक फ़ोन रिसीव जो रहा उसका भी सलूशन आज वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो कंप्लीट करना, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल बनाए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना जिससे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए लेकर चलता हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पर, आपको बता देता हूँ कौन सी सेटिंग होगी वो जो कि आप अपने कॉल को हटा, मतलब इस ऑटोमेटिक कॉल को हटा सकते हैं और पावर बटन से आपकी कॉल नहीं कटेगी। तो चलिए बिना टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, सिंपली अगर मेरा एंड्रॉयड फ़ोन आप स्क्रीन पर देख रहे हो तो सिंपली आपको करने की होगा, देखिए अगर आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रिसीव हो रहा है, जेब में रखा रखा या किसी भी कहीं पे भी रखा है, आपका फ़ोन रिसीव ऑटोमेटिक हो रहा है तो इसकी एक सेटिंग होती है जो कि अब मैं इसको वीडियो में बताने वाला हूँ, जो अभी भी आपका, अभी भी आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रिसीव नहीं होगा, उसको ऑन कर दिया होगा आपने जब भी ऑटोमेटिक फ़ोन आपका रिसीव होता है। तो इसकी सेटिंग मैं बताने वाला हूँ और दूसरी सेटिंग मैं बताऊँगा, जो पावर बटन जो होता है हमारा उसको दबा देते तो हमारी कॉल कट जाती है, मतलब एंड कॉल हो जाती है जो कि आप इससे नहीं कटती हमारी कॉल। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसको भी, जो हमारी पावर बटन से कॉल कट रही है इसको भी अब सेटिंग करके हम इसको भी सेटिंग बताएंगे इसकी भी। तो चलिए लेके चलता हूँ इस सेटिंग में। तो आपको सबसे पहले अपनी सेटिंग में जाना होगा, तो मैं अपने सेटिंग में चला गया हूँ। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे जो ऑटोमेटिक कॉल जो हमारी वो रिसीव जो हो रही है उसको कैसे मतलब डिसेबल करना होगा। तो सबसे हमारा यहाँ पर आ गए हम अपनी सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्मार्ट कन्वीनियंट का ऑप्शन, तो यहाँ पर स्मार्ट कन्वीनियंट का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा आपको, और आपको जाना होगा यहाँ पर गेस्ट और मोशन पर। तो यहाँ पर गेस्ट और मोशन पर क्लिक कर दिया मैंने, और आपको यहाँ पर जाना होगा स्मार्ट कॉल पर। तो यहाँ पर स्मार्ट कॉल पर मैंने क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद आपको जो वाली सेटिंग है जो कि आपको ऑटोमेटिक फ़ोन रिसीव हो रहा है तो ये वाली सेटिंग होती है जो कि आपने इसको अनेबल कर दिया होगा। तो ये इसको अनेबल कर देते हैं हम तो आपको फ़ोन जो है ऑटोमेटिक रिसीव हो जाता है, किसी भी कॉल आने पर हमारा फ़ोन जो कहीं पर भी रखा हो तो ऑटोमेटिक रिसीव हो जाता है। इसको हम डिसेबल करेंगे, तो हमने इसको डिसेबल कर दिया, अब हमारा फ़ोन ऑटोमेटिक रिसीव नहीं होगा। तो दूसरी सेटिंग के बारे में लेकर चलता हूँ, आपको दूसरी सेटिंग बता देता हूँ वो, जो कि हमारा पावर बटन उसको दबाते ही हमारी कॉल कट जाती है। तो इसकी सेटिंग को आपको जाना होगा यहाँ पर आपको एडिशनल सेटिंग पर, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं तो एडिशनल सेटिंग पर जाना होगा इसके लिए। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक्सेसिबिलिटी, तो एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये लिख रहा है आपको प्रेस बटन, प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर मिल रहा है, अगर पावर बटन आपको दबाते हो, इसको अनेबल कर दिया है आपने, तो अगर आप पावर बटन दबाते हो ये वाला साइड में जो होता है तो इसको आप दबाते ही आपकी कॉल कट जाएगी। तो यह वाला यहाँ पर आपको साफ साफ लिख रहा है प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल, तो इसको हम डिसेबल करना होगा आपको। तो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ, अब मैंने डिसेबल कर दिया, अब हम पावर बटन दबाएंगे तो हमारी कॉल नहीं कट होगी। तो देखिए दोस्त, जो भाइयों ने हमें कमेंट करके बोला है कि इन दो सेटिंग के बारे में जरूर बताइए, आप दोनों सेटिंग के बारे में मैंने बता दिया। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, एंड वीडियो को लाइक भी कर दें। तो कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।